देखिए आसान कुछ नहीं होता भैया, आसान तो मुझे लग रहा है कि वो उठा के ग्लास से पानी पीना भी नहीं होता, थाली में से खाना खाना भी नहीं होता, और वर्ल्ड कप में मैच जीतना ना बाबा ना। अब तो मुझे सारे मुकाबले थोड़े से मुश्किल नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, और किस्मत इज हैंगिंग बाय अ वेरी थिन थ्रेड। जो हमारी जीवन का रिमोट कंट्रोल है अब वो हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरों को हमने ऑलरेडी थमा दिया है। आज का मुकाबला है इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान की जो जलेबी है वैसे बड़ी मीठी होती है, पर गुरुजी मतलब पेंच तो यहाँ पर भी है। यहाँ पे तीन तीन स्पिनर्स होंगे, अगर मुजीब इज फिट एंड अवेलेबल तो फिर हमारी जान फिर हलक में होगी। हम चौके मार कहाँ पा रहे हैं, सिंगल नहीं निकाल पा रहे हैं। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, इट्स इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, और पहली बार इंडिया दुबई से बाहर जाएगा, आबू धाबी के मैदान पे खेला जाएगा ये मुकाबला, जहाँ पे अफगानिस्तान ऑलरेडी कई मुकाबले खेल चुकी है और भाई जीत भी चुकी है। पर आज के लिए मेरा आपका जो ट्रिविया, आपके लिए जो मेरा आज ट्रिविया है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी बॉलर ने जिसने चार ओवर पूरे कंप्लीट किए सबसे कम इकोनॉमी रेट किन गेंदबाजों का रहा है। देयर आर टू ऑफ देम एक्चुअली। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। हाय रेक प्रेजेंट्स, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और अमूमन जब इंडिया और अफगानिस्तान के मुकाबले होते हैं ना, अगर बायलैटरल में होते हैं तो हम तो थोड़े से मतलब एरोगेंट ही हो गए हैं, थोड़े से मतलब एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आप मतलब जब प्रीव्यू भी करते हैं ना तो फिर आप उस दृष्टिकोण से करते हैं हमेशा, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा आप ये सोचते हैं चलो यार इस मैच में ना हमें क्या क्या पाना है, क्या ट्राई करना है, चलो कुछ नए लड़कों को ट्राई कर लो यार, और ना इसमें हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, और वो गोल्स जो होते हैं वो रिजल्ट से मतलब बिल्कुल भी वो अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं, अलहदा कहते हैं ना अपना इरफान, तो बिल्कुल, क्योंकि उसको कोई मैटर ही नहीं करता। पता है आपको इंडिया अफगानिस्तान का मैच है, इंडिया जीत ही जाएगा ना यार, इतनी बेटर साइड है। पर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जीत जाएगा, इंडिया इज अ मच मच बेटर साइड, पर इज इट एक्चुअली अ केक वॉक? There are no games that are cakewalks in this World Cup as far as we are concerned. मुकाबला अबू धाबी में होगा, एक बार फिर टॉस के ऊपर थोड़ी सी नजर होगी, लेकिन क्या अफगानिस्तान को हराने के लिए भी टॉस की आवश्यकता है? मतलब टॉस आपके फेवर में नहीं जाएगी तो क्या आप मुकाबला नहीं जीतेंगे? इंग्लैंड ने करके दिखा दिया बॉस, पहले जॉस ने बॉस बन के दिखाया और बता दिया कि माय वे और द हाईवे इज जस्ट अ कॉप आउट। मतलब जो भी आपको ये बोले ना, मेरा तो ऐसे ही खेलता हूँ यार, लग गए तो ठीक, नहीं तो थैंक यू। आई मीन इसका मतलब यह है कि आप यू आर नॉट पुटिंग योर माइंड टू मैटर। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने खेल को बदला, जॉस बटलर ने इसी मुकाबले में वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच में तड़ी दे रहे थे मिचेल स्टार्क को, दूसरे मैच में डिफेंस कर रहे तो फिर 100 बनाया। आई मीन दिस इज हाउ यू एक्चुअली एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड जॉस इज। तो वहां पे भी टॉस हार गया था इंग्लैंड, लेकिन मैच जीता, डिफेंड करते हुए, ड्यू से लड़ते हुए मैच जीता है। श्रीलंका थी सामने, गेव देम अ वेरी डिसेंट फाइट, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता ऐसे? सी टॉस इज इंपॉर्टेंट, बट टॉस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। अगर हम टॉस की बात करेंगे तो छोड़ दो यार, फिर अभी तो मतलब आई एम श्योर इंडियन टीम बात नहीं कर रही है, और आपको और मेरे को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम में दम है यार, हमारी टीम में मादा है, जीत सकते हैं हम, दो मैच खराब होने से टीम खराब नहीं हो जाती। पर अब सामने की क्या क्या जो आपके पास चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि दिस टीम इज अ सीरियस टीम। अगर आप अफगानिस्तान की तरफ देखें, और हम बात करें नहीं क्वालिफिकेशन ऐसे होगा वैसे होगा, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगी ना बाबा, तो फिर हो सकता है अफगानिस्तान ही थ्रू हो जाए, हमसे हारने के बाद भी थ्रू हो जाए, क्योंकि अगर वो थ्री वे टाई होता है एट दिस पॉइंट इन टाइम अफगानिस्तान नेट रन रेट इज वेरी ऊपर, और अगर मतलब न्यूजीलैंड को हराएंगे तो थोड़ा सा और ऊपर, मतलब नीचे तो नहीं जाएगा ना। और भारत से अगर हार भी गए, मान लो अगर 100 रन से नहीं हारते हैं, तो फिर ठीक है यार, थ्री वे टाइम है, दे विल गो थ्रू। तो मतलब अफगानिस्तान इज अ सीरियस थ्रेट, जो इनको सस्ते में आंक रहा है, हल्के में आंक रहा है, डू इट एट योर ओन पेरिल। इनकी टीम के जो दो तीन चार बड़े थ्रेट्स हैं, वैसे तो मैं पहले बॉलिंग की बात कर लेता हूँ फिर बैटिंग पे भी आऊंगा, बॉलिंग के थ्रेट्स, क्योंकि हमने ना तो इशोडी को चौका मारा, ना हमने मिचेल सैंटनर को चौका मारा, और मुझे तो याद नहीं आ रहा हमने इमाद वसीम, हफीज और शदाब को भी कोई चौका मारा था। वी वर एब्सोल्युटली बोल्ड ओवर, मतलब जितनी स्पिन बोलिंग हुई है ना उन्होंने, मतलब ऐसा लगाया कि इट्स लाइक अ नूज, हमें पकड़ के रखा हुआ है गले में, हमारे वो एकदम से फंदा सा अटकाया होता है और हम हिल ही नहीं पाते हैं। अगर हम शदाब, इश और सेंटनर के सामने नहीं हिले, यहाँ तो तीन तीन बड़े सरीखे स्पिनर आएंगे, मोहम्मद अभी आएंगे, राशिद खान आएंगे, मुजीबुर रहमान आएंगे, और अगर मुजीब फिट हैं तो इसका मतलब हमारी कहानी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है बतौर बल्लेबाज। तो इन तीन थ्रेट्स को मैंने बॉलिंग में आइडेंटिफाई किया, मुझे लगता है हमीद हसन को यहाँ खिला लेंगे, और साथ में अगर नवीन नूल रहते हैं, भाई बॉलिंग उनकी ठीक ठाक लग रही है मुझे, और हम उतने बेबाक अंदाज से वैसे भी खेल ही नहीं रहे हैं ना, बट देन भाई जो अपना जॉब है वो सारे काम ढंग से कर रहे हैं। आई मीन यस, यू नीड द जॉब राइट? तो फिर पहले जरा हायरेक्ट की बात बता देता हूँ आपको। हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और CXOs के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी हाँ, आप
इस ऐप को यूज करना काफी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देकर अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। यहां पर जितनी भी जॉब पोस्ट होती है ना, हर एक का ये दावा है कि ये सारी की सारी 100% वेरीफाइड होती है। प्लस पॉइंट, यू वांट टू नो, कोई भी कंसल्टेंसी और मिडलमैन हायरेक पे जॉब पोस्ट नहीं कर सकता है, जिससे ये प्लेटफॉर्म एकदम स्पैम फ्री और स्कैम फ्री हो जाता है। आपकी मर्जी के बिना आपकी कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं की जाएंगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें जॉब पाए। तो फिर स्पैम फ्री है, स्कैम फ्री है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कर लो फटाफट से। पर अगर अफगानिस्तान को देखें, दैट्स ऑल्सो वन टीम जो टॉस जीत के ना बैटिंग कर लेती है, तो हो सकता है टॉप सब हार भी जाएं तो भी आपकी पहले बॉलिंग आ जाए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डिफेंड करना चाहते हैं। हालांकि मेरे विचार में बेकार खराब स्ट्रैटेजी है ये, अगर बाद में ओस आने वाली है तो फिर चाहे आपकी कितनी भी अच्छी बॉलिंग क्यों ना हो, यू डोंट वांट टू डिफेंड अनलेस यू प्लेइंग एट शारजा। शारजा में फिर भी आपकी वो पिच पे चेस करना मुश्किल होता है, बाकी सब पिचेस पे तो बहुत आसान हो जाता है यार, एकदम मतलब आधा सा ही मुकाबला हो जाता है। पर गेंदबाजी की हम बात कर चुके हैं, अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में ना तड़ी देने वाले बैट्समैन है ये। हमने मतलब बात सुनी थी कि हमारे खिलाड़ी जो थे हेजिटेट कर रहे थे, दे वर नॉट रियली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, थोड़ा टिमिड नेचर था पिछले मुकाबले में, पर यहाँ पर जो आते हैं उनका कोई टिमिडनेस नहीं है। मोहम्मद शहजाद होते हैं, साथ में आते हैं हजरतुल्ला जरजई, और छक्के छक्के छक्कों में डील करते हैं उनको। अगर आपने थोड़ा सा भी रूम दिया ना, ये रेपुटेशन को ना बिल्कुल दरकिनार करते हैं, बहुत पिटाई करते हैं। उसके बाद नजीबुल ज़ादरन हैज़ बीन वेरी गुड, गुलबदि नईम ने भी अब बल्ले से रन बना दिए हैं, असगर अफगान चलो आखिरी मुकाबला खेल के जा चुके हैं, मोहम्मद नबी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, गुरबाज इज अ फिनोमिनल प्लेयर, आई थिंक दे डू हैव अ वेरी डिसेंट बैटिंग लाइनअप यार, और ये ना आपके ऊपर ना अटैक करते जाएंगे, अगर आपको इनको रोकना है तो आपको लगातार विकेट चटकानी पड़ेगी। इफ अ गाय इज देयर फॉर 30 बॉल्स हिल के लिए, वो तो इस गेंदों में 50-55 रन बनाने ही वाला है। अब भारतीय दृष्टिकोण से क्या करना है, क्योंकि हमने अफगानिस्तान की इतनी बात कर ली, करनी पड़ती है आजकल ज्यादा, पर भारतीय दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं तो क्या मैं बदलाव देखता हूं, सूर्य कुमार यादव अगर फिट है तो आ जाइए, क्योंकि ईशान अगर खेल रहे हैं पहले तो ओपन तो करनी नहीं चाहिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा पर्सनल, जो हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल, आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सबको बता दिया था कि ये मेरे बेस्ट ओपनर्स हैं, प्लीज स्टिक विद देम, आई एम सेइंग इन दोनों को वापस ऊपर आप कीजिए, सामने से स्पिन के साथ आपका इम्तिहान होगा, बट दैट्स ऑल राइट, बहुत बड़े प्लेयर हैं यार, आपको उनमें विश्वास जताना है। अगर तो ईशान किशन अभी भी खेलते हैं, बीच में डालो, मिडल ऑर्डर में डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, दो लेफ्टी भी मिडल ऑर्डर में रख दीजिए, पर जो ऊपर के 1-2-3 हैं उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ नहीं आगे से जीती जाती है, और आगे से जीतने के लिए अपने अच्छे खिलाड़ियों को ऊपर की तरफ करना पड़ता है। तो अगर तो स्काई फिट है, आई गो विद स्काई, क्योंकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, अगर स्काई फिट नहीं है तो आई गो विद ईशान, ऑफकोर्स यू डोंट हैव अ चॉइस, सेलेक्टर्स ने कोई चॉइस दी नहीं है आपको, पर देन बैट हिम इन द मिडल ऑर्डर, दैट्स पॉइंट नंबर वन। हार्दिक पांड्या ने थोड़ी बॉलिंग शुरू कर दी, पिछले मैच में वो 23 गेंदों में 23 रन भी बनाए थे, वंस अगेन दे हैड टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको बाहर बैठा के कोई मतलब वेंकटेश अय्यर बाहर बैठे और वो आके बड़ी पिटाई करेंगे, वो नहीं है टीम में। बॉलिंग के अंदर अगर आप क्या बदलाव करना चाहेंगे, इसी अफगानिस्तान के सामने आप अमूमन मतलब ये थोड़ा सा टायर्ड पिचेस होने लगी हैं, स्पिन की तरफ आप देखते हैं, पर हम शाम का मैच खेलते हैं यार, शाम के मैच में सेकंड इनिंग्स में ड्यू का एक बड़ा रियलिस्टिक प्रॉब्लम रहता है, मैं तो फिर भी 3 पेसर खिलाऊंगा यार, और अब मैं फिर बदलाव नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बदलाव करते जाओगे ना कि एक मैच शार्दुल को खिलाया, एक मैच आपने भूवी को खिलाया, अब वापस भूवी को ले आए, कोई और तो बाहर नहीं बैठा है, तो फिर आप कहोगे यार आई डिडंट डू जस्टिस टू भूवी, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू शार्दुल, और फिर दोबारा मतलब ये कोई रूले थोड़ी ना है कि एक के बाद एक 1-2-1-2 करते जाएंगे, टिपी टैप थोड़ी ना खेल रहे हैं हम, तो वो मुझे लगता है कि आप वहां कोई बदलाव ना करें। स्पिन बॉलिंग में देर इज अ क्वेश्चन इज आई टेल यू व्हाट, सी वरुण चक्रवर्ती को आप खिलाना चाहते हैं, पर वरुण चक्रवर्ती हैजंट लुक दैट पेनेट्रेटिव, तो 2 मैचेस के बाद यू कैन स्टार्ट डीविएटिंग, मतलब आप वो थोड़ा दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं। राहुल चाहर और रविचंद्रन अश्विन में से 2 आपके पास विकल्प मौजूद रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूँ आप राहुल चाहर को खिला लो, पर क्योंकि मतलब लेग स्पिन है और बड़ी हिटें मारने वाले जब प्लेयर होते हैं तो आप लेग स्पिन बेहतर खिला पाते हैं, बीच में नजीबुल आजादरान जरूर आते हैं, ऊपर हजरतुल्ला जजई रहते हैं, तो वहाँ पर जरूर लेफ्ट हैंडर्स हैं, पर मैं फिर भी जाऊंगा यार राहुल चाहर की तरफ, गूगली डाल लेंगे, कर लेंगे काम। पर अश्विन के साथ अब इसकी कहानी यह है कि आपने इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अगर अपने टीम में पिक किया है तो भाई फिर क्यों नहीं खिलाओगे, कभी तो खिलाने के लिए तो एक्सपीरियंस पिक किया था ना, मतलब आपने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खिलाया, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खिलाया, आप अफगानिस्तान के मत खिलाओ, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक किया था, इंग्लैंड जब आएगी तब उनको खिलाएंगे, आई मीन दैट इज वेयर द सिलेक्शन एंड द टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आउट ऑफ द ब्लू कंप्लीटली आप पिक कर रहे हैं, और अगर आपने उसको बेंच पे बिठाना है तो बेंच पे तो आप रवि बिश्नोई को बिठा लो, क्योंकि
एक्सपीरियंस ऑन द बेंचेस इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज. मैं तो अभी भी नहीं खिलाना चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग विद राहुल चार, देखते हैं टीम क्या करती है. सिर्फ दो चीजें जरूर मेरी एक विशलिस्ट में रहेंगी, एक तो ये कि खेलो यार बिंदास खेलो, क्योंकि टीम खराब नहीं है, एक मैच से खराब होती नहीं है. जस्ट गो एंड एक्सप्रेस यू सेल्फ एंड जस्ट ब्लडी किल एवरीथिंग कि सामने जो आ रहा है ना, आप सामने वाली टीम को बताते चलो कि यू नो वी आर हु वी आर और आपसे हम बेहतर हैं. नतीजे अंत में मतलब आपके हाथ में नहीं रहते, पर जो आपके खेलने का अंदाज है, जो आपका एटीट्यूड, जो बिहेवियर, जो माइंड सेट, जो आपकी अप्रोच, दैट शुड नेवर चेंज एंड दैट इज माई ओनली विश लिस्ट फॉर दिस गेम. होपफुली विल डू बेटर, होपफुली विल गिव आर सेल्स वन मोर चांस, क्योंकि टीवी का रिमोट जो है बीवी के पास रहता है और ये जो वर्ल्ड कप का रिमोट कंट्रोल जो है ना ये दूसरों के पास चला गया कि हम इनको हराएं, फिर वो उनको हराएं, वो उनसे थोड़ा कम मार्जिन से जीते. इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एल्गोरिथम सेट करनी पड़ेंगी. पर मैं आपको बता देता हूँ अपना ट्रिविया जाते जाते, जो दो बॉलर जिन्होंने सबसे बेहतरीन इकोनॉमी रेट रहा है, जिन्होंने चार चार ओवर्स अपना मतलब पूरा स्पेल किया है, अजंता मेंडिस एंड महमूदुल्ला रियाद. ये इन्होंने दो मतलब चार ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, चार ओवर का स्पेल डाला, 8 ही रन दिया. आई मीन दैट्स दो का इकोनॉमी. वेल डन गाइस. आपको लाइक करना, आपको शेयर करना, आपको सब्सक्राइब करना, आपको कमेंट करना, आपको नोटिफिकेशन घंटी बजाने और कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भर देने का है कि आप क्या चाहते हैं, भारतीय टीम में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कुछ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. आई मीन इट्स अप फॉर डिबेट राइट, क्योंकि जब चीज़ें ठीक नहीं जाती ना तो ओपिनियंस दे कम एज डाइम अ डज़न.